अस्सलाम पोल्ट्री एजेस ऑफिशियल टीम है। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं इन्फ्लेमेशन के पार्ट टू की। पार्ट वन की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो वो देख सकता है। तो पार्ट टू की अगर हम बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि इसमें से ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट साइड टू ऑफ इन्फ्लेमेशन, इसमें सेलुलर चेंजेस का आप लिख लेंगे यहाँ पे पॉइंट कि सेलुलर चेंजेस के बारे में क्या होता है। तो आपने यहाँ से बोल्ड लेटर इसके रीड करने हैं यहाँ से, उसके बाद न्यूट्रोफिल्स का, मैक्रोफिल फेजेस का, इनका फंक्शन आपने याद करना है। इसके बाद ये वाले बोल्ड लेटर आपने यहाँ से रीड करने हैं, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं जिसमें फर्स्ट हाफ है, डी एन ऑफ ल्यूकोसाइट टू एंडोथेलियम, ये सारे पॉइंट्स आपने रीड करने हैं। अब ये जो पॉइंट्स इसके लिखे हुए थे ये सारे सारे अब स्टार्ट हो गए। तो स्टूडेंट्स, एज सच ये टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप इसको करना चाहते हैं तो इतना कर लें कि आपको इसके मार्क्स मिल जाएँ। तो इसमें आ जाती है बात, ये आपने अंदर अंदर से रीड कर लेना, जैसे मार्जिनेशन है, स्ट्रेसेस है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने अंदर से रीड कर लेने, ताकि अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता हो। इसके बाद स्टूडेंट्स, जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस दोनों की आपने प्रॉपर्टीज़ को देखना है, इन दोनों को आपने करना है। इसके बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, तो आपने इसको लाजमी करना है। इसमें से आपके मोस्टली एमसीक्यूज आते हैं या वाइवा में पूछा जाता है आपसे। इसके बाद सिलेक्टेंस का रोल आपने जस्ट रीड कर लेना है, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, जो सारे की सारी थ्योरी है जो आपने लास्ट पेज पे देखी है, उसमें को करने के लिए ये आपके पास पूरा का पूरा एक डायग्राम है। इसको आपने देखना है, ये नाम है इसके ल्यूकोसाइट माइग्रेशन थ्रू ब्लड वेसल, जिसमें मल्टी स्टेप प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपने जो इसमें एक चीज़ देखनी है, इसको याद करने का तरीका ये है कि यहाँ से आपने पॉइंट्स देख लेने हैं, यहाँ पर आपको सारा का सारा इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ। अब रूलिंग हो रही है, पहले ये देखें रूल कर रहा है ये। इसके बाद इंटीग्रेशन हो रही है कीमोकाइंस के साथ, ये इंटेग्रिन, ये इंटीग्रेशन हो रही है। उसके बाद स्टेबल एडियन होगी, माइग्रेशन होगी, यहाँ से एग्जिट करेगा, और ये सारा आपने देखना है माइक्रोब्स, ये सारे कीमोकाइंस जाएंगे, ये सारा का सारा आपने स्टेप यहाँ से देख लेना है। अगर आपको ये क्वेश्चन आते तो आप ये पॉइंट्स भी लिख देते हैं, तो आपको इन फुर्सत में डायग्राम भी आप बना देंगे, तो इसको आप ड्रा लाजमी कर लेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपने इसको जस्ट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रीड कर लेना है, अगर याद हो जाता है तो। याद होता नहीं है मोस्टली, लेकिन अगर हो जाते तो आप जस्ट ओवरव्यू ले लें, ताकि एमसीक्यू का आपको कंसेप्ट बन जाए यहाँ से। ये सारा का सारा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे भी वही बात हो रही है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसमें आपने ल्यूकोसाइट्स की कीमोटैक्सिस में ये वाले पॉइंट्स आपने यहाँ से रीड कर लेने, इधर से ये वाले पॉइंट रीड कर लेने, ताकि आपको पता हो कि क्या क्या होता है इसमें। और ये समरी लाजमी रीड करने स्टूडेंट्स, ये समरी को अगर आप कर लेंगे तो आपको ये सारे की सारी कहानी समझ आ जाएगी, तो आप इसको लाजमी रीड कर लें। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं फेगोसाइटोसिस के बारे में, जिसमें क्लियरेंस ऑफ अफेंडिंग एजेंट्स है। तो आपने इनको सारे के सारे जितने पॉइंट्स हैं इसको आपने यहाँ से रीड करना है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपने यहाँ से रीड करके इसको याद कर लेना अच्छे से। फेगोसाइटोसिस के बारे में आप ऑलरेडी जानते भी हैं, कंसेप्ट भी होगा, तो आप इसको जस्ट रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर अगर हम इसकी बात करें तो आपको स्टूडेंट्स ये पता होना चाहिए, ये देख सकते हैं कि फेगोसाइटिक वैक्यूल क्या है इसके बारे में, और ये सारा का सारा आपने रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट ये यहाँ से कर लेंगे, तो फेगोसाइटोसिस का आपको यहाँ से भी समझ आ जाएगी। अदरवाइज़ आप इसको रीड कर लें, ताकि आपके कंसेप्ट बन जाए इसके बारे में। अदरवाइज़ ये आप पॉइंट्स कर लें तो ये इनफ है आपके लिए। मोस्टली आपका बैवो में पूछा जाता है, तो आपने इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से करने के, ताकि आपको इसका कंसेप्ट होना चाहिए। ये सारे के सारे जितने भी स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स, ये फेगोसाइटिक वैक्यूल के बारे में, ये स्पीशीज़, ये जितनी भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ के बारे में, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं पॉइंट्स के फॉर्म में, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स, पार्ट टू की वीडियो मैं ऐड करता हूँ। तो आप में से जो भी चैनल पर न्यू है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले आने वाले जितनी भी वीडियोज हैं आपको मिलती रहें। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट थ्री मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तो आप में से देखना चाहता है जो नेक्स्ट पार्ट को, तो वो इसको नेक्स्ट पार्ट में देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।